स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? हियर इज़ योर इंग्लिश टीचर एंड आई होप यू ऑल विल बी फाइन एंड क्वाइट सेफ एट होम इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल टेक स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 3, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो इज़ द नेम ऑफ अ बुक विच इज़ रिटन बाय डैनियल डेफो। डैनियल डेफो इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक एंड हियर इन दिस स्टोरी आर मेन कैरेक्टर इज़ ऑल्सो रॉबिन्सन क्रूसो। एंड इन दिस स्टोरी रॉबिन्सन क्रूसो स्टार्टेड हिज जर्नी बाय सी एंड ड्यूरिंग द जर्नी ड्यू टू द सी स्टॉर्म देयर शिप रैक। उसका शिप जो है वो रैक हो जाता है, मिंटू से तबाह हो जाता है, ठीक है। उनको एक तूफ़ान का सामना करना पड़ता है जिससे उनका शिप जो है वो तबाह हो जाता है। एक्चुअली इन दिस स्टोरी वी शैल रीड हाउ रॉबिन्सन क्रूसो सर्वाइव, हाउ ही रीच्ड ऑन द बैंक ऑन एन आइलैंड, ठीक है। वो कैसे एक जजीरे पर पहुँचे, हाउ ही सर्वाइव्ड, कैसे वो बचे एंड हाउ ही मैनेज टू लिव हियर। वहाँ पर उसने कैसे मैनेज किया रहने, ज़िंदगी गुजारना कैसे मैनेज किया, हाउ ही वर्कड, उसने कैसे काम किया एंड हाउ ही फुलफिल हिज नेसेसिटीज़, कैसे उसने अपनी ज़रूरियात को, बेसिक नीड्स को, ठीक है, अपने खाने को, खाना पीना और अपने रहने को, कैसे उसने वहाँ पर ऑन एन आईलैंड, एक जजीरे पर तन्हा, उसने इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया। दिस लेसन इज़ अबाउट द हार्डशिप्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। बिफोर टेकिंग स्टार्ट वी शैल मूव टूवर्ड्स द वर्ड्स टू नो। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ एम्युनिशन। एम्युनिशन मीन्स वेपन्स, कोई भी वेपन्स, हथियार, विच आर यूज इन वुड इन वॉर एंड विच आर यूज टू फाइट, जो लड़ने के लिए वॉर में यूज़ होते हैं उन्हें एम्युनिशन बोलते हैं। बुलेट्स, शेल्स, मिसाइल्स एंड अदर थिंग्स यूज एज वेपन्स, ठीक है। हम बोलेंगे कि एम्युनिशन जो है वो वेपन्स को बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्ड है कोर्स, रूट और वे, सफ़र सॉरी रास्ते को बोलते हैं, रूट या वे, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। गाइजेंटिक मीन्स होता है ह्यूज, बहुत बड़ी, वेरी लार्ज और टॉल, ठीक है, ह्यूज का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, गाइजेंटिक मीन्स। हरिकेन, आ स्फीयर ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ठीक है, आ स्फीयर स्टॉर्म जो है, या स्टॉर्म को हरिकेन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मास्ट, अ वर्टिकल पोल दैट सपोर्ट्स द सेल्स ऑन अ शिप। अ वर्टिकल पोल दैट सपोर्ट्स द सेल्स ऑन अ शिप, यहाँ पर बेटे आप वर्टिकल पोल देख भी सकते हैं, दैट सपोर्ट द सेल ऑन अ शिप, जो एक शिप पे एक सेल को हेल्प करता है, ठीक है, उसको वहाँ पर स्टे करने में हेल्प करता है, वर्टिकल पोल जो उसे मास्ट बोलते हैं। ओवरबोर्ड, ओवर द साइड ऑफ अ शिप एंड इन टू द वॉटर, ठीक है, ओवर द साइड ऑफ अ शिप एंड इन टू द वॉटर। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन होता है डिसाइड कर लेना। सेट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, कोई काम, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कोई ख़ास काम करना या उसके बारे में, ख़ास काम करने के बारे में डिसाइड करना, डिसाइडेड कर लें आप। स्टॉकेड मीन होता है अ टॉल टॉल फेंस मेड ऑफ वुडन पोस्ट्स। अ टॉल फेंस मेड ऑफ वुडन पोस्ट्स टू कीप आउट एनिमीज, हम जस्ट करेंगे अ टॉल फेंस मेड ऑफ वुडन पोस्ट्स। यहाँ पर आप फेंस देख सकते हैं, लकड़ी से बनाई हुई जो बाड़ है उसे फेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टोर्नाडो। टोर्नाडो बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव रोटेटिंग एयर, यानी गोल गोल घूमती हुई जो हवा होती है ना, उसे डिस्ट्रक्टिव रोटेटिंग एयर बोलते हैं। अ विंड स्टॉर्म, ठीक है, एक आंधी या तूफान को बोलते हैं। वेसल हमारे पास है अ शिप। वायलेंट हमारे पास वर्ड है यूजिंग फिजिकल फोर्स टू कॉज हर्ट और डैमेज, ठीक है, डैमेज करने को किसी चीज़ को, हर्ट और डैमेज यानी उसको ख़राब करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत नुकसान के लिए जो यूज़ होता है वो वर्ड यूज़ होता है वायलेंट। नेक्स्ट हमारे पास है वॉयज। वॉयज मीन होता है अ जर्नी बाय सी और एयर, ठीक है, किसी बाय सी और बाय एयर, जो बाय एयर आप जर्नी करते हो, सफ़र को जो है वॉयज बोलते हैं। नाउ वी शैल मूव टूवर्ड्स आर रीडिंग। फर्स्ट यू कैन सी अ हाईलाइटेड पैराग्राफ हियर स्टूडेंट्स। रॉबिन्सन क्रूसो से स्टार्ट होकर शिप रैक तक हमारा आता है। इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। लेट्स स्टार्ट द इंट्रो ऑफ द स्टोरी। रॉबिन्सन क्रूसो इज़ द नेम ऑफ अ बुक बाय डैनियल डेफो।
रॉबिनसन क्रूसो इज़ द नेम ऑफ अ बुक, ये एक किताब का नाम है जो कि डैनियल डेफो ने राइट की है। डैनियल डेफो वॉज बॉर्न इन 1660। डैनियल डेफो जो है वो 1660 में पैदा हुए। हिज फादर वॉज अ बुचर एंड डैनियल डेफो वर्कड एट अ नंबर ऑफ ट्रेड्स बिफोर ही स्टार्टेड टू राइट एट द एज ऑफ 40। ठीक है, हिज फादर वॉज अ बुचर, उनके फादर जो है वो एक कसाब थे। ठीक है, एंड डैनियल डेफो वर्कड एट अ नंबर ऑफ ट्रेड्स बिफोर ही स्टार्टेड टू राइट एट द एज ऑफ 40। 40 साल की उम्र में राइट करना, यानी कि किताबें लिखने से पहले जो है उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीज़ों की वो तजारत करते थे। ठीक है, वो एक ताजिर थे। ही रोट पोइम्स एंड अकोयनली रोट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। ही रोट पोइम्स, उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी एंड अकोयनली रोट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, और वो जो है गवर्नमेंट पे क्रिटिसिज्म, यानी उस पर तनकीद भी करते थे कि ये काम गवर्नमेंट ठीक कर रही है और ये नहीं ठीक कर रही। समटाइम्स ही वॉज सेंट टू प्रिजन, और इसी क्रिटिसिज्म की वजह से कई दफ़ा उनको जो है वो प्रिजन में, जेल में भी भेज दिया जाता था। व्हेन ही वाज नियरली 60 ही रोड द स्टोरी ऑफ रॉबिनसन क्रूसो। ठीक है, जब वो तकरीबन 60 साल के होने वाले थे या 60 साल की तकरीबन 60 साल की उम्र के करीब उन्होंने ये स्टोरी जो है वो रॉबिनसन क्रूसो लिखी। इट वाज अ ग्रेट सक्सेस एंड ही एंड हैज़ बीन पॉपुलर विद चिल्ड्रन एवर सिंस। इट वाज अ ग्रेट सक्सेस, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। एंड वॉज इन एंड हैज़ बीन पॉपुलर विद चिल्ड्रन एवर सिंस, और अभी तक ये बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीन फेमस यानी मशहूर है। इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल, ये पहला उनका बहुत अजीम इंग्लिश का नावल था, बहुत बड़ा यानी बहुत अच्छा इंग्लिश का नावल था। इन दिस शॉर्ट पीस फ्रॉम द बुक रॉबिनसन क्रूसो टेल्स अस हाउ ही बिकेम शिपरेक्ड। इन दिस शॉर्ट पीस ऑफ फ्रॉम द बुक, बुक के इस छोटे से, यानी कि ये एक पूरी बुक है रॉबिनसन क्रूसो, उसके ये छोटे से पैसेज से जो है, छोटा सा ये जो पीस हमारी बुक में उन्होंने ऐड किया है, यहाँ हम देखेंगे यहाँ पर रॉबिनसन क्रूसो जो है टेल्स अस, वो हमें बताता है हाउ ही बिकेम शिपरेक, कैसे उसका शिप जो है वो यानी कि तबाह हुआ, कैसे उनका शिप जो है वो सी स्टॉर्म में जो है वो तबाह हो गया। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। We started off on our voyage in a good weather, although it was very hot. We started our journey in a good weather. यानी बहुत, वेदर मीन होता है मौसम, हमने अच्छे मौसम में अपना जर्नी यानी अपना सफ़र स्टार्ट किया था। although it was very hot, अगरचे बहुत गर्मी थी लेकिन मौसम ठीक था, यानी विंड स्टॉर्म का, तूफान का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आएगा। After about 12 days, however, a violent tornado came from the north. After about 12 days, 12 days means 12 din ke baad, however, a violent tornado came from the north, shimal ki taraf se ek bahut shadeed, violent mean hota hai fierce, bahut shadeed tornado mean hota hai storm, bahut shadeed storm jo hai, yani tufaan, hawa ka bahut shadeed tufaan shimal ki taraf se aaya. The waves rose high and skies were black and the wind howled through the sails. The waves rose high, लहरें जो हैं वो बहुत ऊपर उठी, लहरें हमारे सी में जो पानी की लहरें जो है वो बहुत ऊपर उठी। The skies were black, आसमान जो है उनका रंग काला हो गया। And the wind howled, और हवा के यानी कि बहुत ज़्यादा चीखने की, जैसे चीखों की आवाज़ होती ना, हवा की बहुत ज़्यादा आवाज़ जो है वो आ रही थी थ्रू दी सेल्स में से, हवा की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, बहुत शदीद हवा, बहुत शिद्दत के साथ हवा चल रही थी। ठीक है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। टू मेम्बर्स ऑफ द क्रू वर वॉश्ड ओवरबोर्ड एंड आफ्टर अ डे और टू द शिप बिगेन टू लीक। टू मेम्बर्स ऑफ द क्रू, क्रू होता है हमारे जहाज़ का अमला, यानी सारे उसका स्टाफ जो होता है ना, शिप का एक स्टाफ होता है ना, वहाँ पर भी हमारे पास जो है वो उसका कैप्टन टाइप जो हमारा सेलर होता है, सॉरी कैप्टन नहीं, हमारा शिप का सेलर होता है जो जहाज़ चलाता है, उसके साथ उसका उसके बहुत सारे हेल्पर्स भी होते हैं। ठीक है, और सारा शिप का अमला जो है, द टू मेम्बर्स ऑफ द क्रू वर वॉश्ड ओवरबोर्ड। ठीक है, दो अफराद जो हैं वो जहाज़ के अमले के दो अफराद जो हैं, ओवरबोर्ड मीन्स होता है हमारा यानी कि वो पानी में, वहाँ पर पानी में डूब गए, या फिर पानी में जहाज़ की एक तरफ से वो पानी में गिर गए।
उन्होंने पानी में छलांगें लगा दी एंड आफ्टर अ डे और एक दिन और टू एक या दो दिन के बाद द शिप बिगेन टू लीक शिप जो है वो लीक हो गया द वी चेंज आर कोर्स एंड सेल्ड आउट ऑफ द हरिकेन बट द नेक्स्ट डे आर सेकेंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस वी चेंज आर कोर्स हमने अपना रास्ता चेंज किया यानी बदला एंड सेल्ड आउट ऑफ द हरिकेन और हरिकेन मीन टू से उस स्टॉर्म में से यानी कि सीवियर स्टॉर्म जो बहुत सी स्टॉर्म आया था ना समंदर के इस तूफान में से सेल्ड आउट हम बाहर निकल गए बट द नेक्स्ट डे अ सेकेंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस लेकिन अगले दिन एक सेकेंड टेरिबल बहुत फियरफुल ठीक है बहुत खौफनाक तूफान जो है उसने हम पे दोबारा से अटैक कर दिया यानी हमला कर दिया वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड बट द सी वॉज वेरी रफ वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड हमें जिस जगह को हम नहीं जानते थे उसका सी शोर यानी कि साहिल समंदर का साहिल हमें नज़र तो आ रहा था लेकिन उस जगह को हम नहीं जानते थे बट द सी वॉज वेरी रफ लेकिन सी जो है वो बहुत रफ कंडीशन में था यानी सी बहुत ज़्यादा समंदरी तूफान जो है वो बहुत गुस्से में यानी ये बहुत तेज़ समंदरी तूफान था द रेन डैश डाउन द रेन स्टार्टेड यानी बारिश जो है वो बरस रही थी एंड वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड एंड वी वर अफ्रेड मीन टू से वी वर फियरफुल टू रीच टूवर्ड द लैंड एंड वी वर फियरफुल और हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि हम किसी जजीरे पर पहुँच जाएँ आर ओनली होप वॉज टू क्लैम्बर इन टू अ स्मॉल बोट एंड ट्राई टू रो टू द शोर आर ओनली होप हमारी जस्ट एक ही उम्मीद थी ठीक है हम जस्ट एक ही बात चाहते थे टू क्लैम्बर इन टू अ स्मॉल बोट कि हम एक स्मॉल बोट में क्लाइम कर जाएँ यानी उसमें सवार हो जाएँ एंड ट्राई टू रो टू द शोर और उसको जो है चला कर साहले समंदर की तरफ ले जाएं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है फोर ऑफ अस मैनेज टू गेट द बोट इन टू द सी एंड वी जम्प्ड इन टू इट हमें से चार लोगों ने मैनेज किया कि वो उन्होंने समंदर में कश्ती रखी एंड वी जम्प्ड इन टू इट और हमने इसमें छलांगें लगा दी वी रोड विद ऑल आर माइट बट द वेव्स वर लाइक माउंटेन्स वी रोड यानी हमने कश्ती चलाई विद ऑल आर माइट विद ऑल आर पावर हमने बहुत अपनी पूरी ताकत के साथ कश्ती चलाई बट द वेव्स वर लाइक माउंटेन्स लेकिन वहाँ पर वेव्स जो लहरें थी ना पानी की दे वर लाइक माउंटेन्स वो पहाड़ की तरह बुलंद और ऊंची हो रही थी ठीक है बहुत ऊंची थी वी स्ट्रगल्ड ऑन हमने बहुत एफर्ट्स की बहुत कोशिश की ठीक है बट एट लास्ट द जेंटिक वेव greater than all the others hurled our little boat into the air and it sank beneath us okay we struggled on humne bahut koshish ki but at last a gigantic wave ek bahut badi lehar jo hai greater than all the other sab leharon se badi ek lehar jo hai wo uthi wahan se yani ki bahut badi lehar aayi hurled our little boat हर्ल मीन थ्री उसने फेंक दिया हमारी छोटी सी कश्ती को इनटू द एयर हवा में उठा के उसने फेंका हमारी कश्ती को एंड इट सैंक बीनीथ अस और ये हमारे नीचे यानी कि हवा ये नीचे पानी में डूब गई आई एम अ गुड स्विमर एंड फॉर एन आवर एंड अ हाफ आई बैटल्ड इन दैट स्टॉर्मी सी आई एम अ गुड स्विमर मैं बहुत अच्छा यानी कि मैं बहुत अच्छा तैरने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से मैं तैरता हूँ एंड फॉर एन आवर और एक घंटे तक एंड हाफ यानी एक डेढ़ घंटे तक आई बैटल्ड इन दैट स्टॉर्मी सी आई बैटल्ड मीन टू से मैं फाइट करता रहा मैं कोशिश करता रहा उस स्टॉर्मी सी में मैं तैरने की कोशिश करता रहा एज आई कॉट साइट ऑफ द कोस्ट अ ह्यूज वेव वुड लिफ्ट मी अप एंड कैरी मी आउट ऑफ द सी अगेन एज आई कॉट साइट ऑफ द कोस्ट जैसे मैंने कोस्ट मीन होते सी शोर जैसे मैंने मुझे सी शोर नज़र आया यानी साहले समंदर नज़र आया A huge wave would lift me up. एक बहुत बड़ी लहर ने मुझे ऊपर उठाया and carry me out of the sea again. और दोबारा से मुझे carry me out of the sea. और मुझे दोबारा से समंदर से बाहर ले आई I tried to reach the shore again and again. ठीक है मैंने and I was thrown away by the raging sea again and again. I tried to reach the shore. मैंने साहिले समंदर पर पहुँचने की बहुत कोशिश की बार बार मैंने कोशिश की एंड आई वॉज थ्रोन अवे बाय द रेजिंग सीज अगेन एंड अगेन और बार बार मुझे लहरें जो हैं उस बहुत यानी कि
खौफनाक या फिर बहुत गुस्से वाले समंदर से उठा के बाहर भी बार बार फेंक रही थी। एट लास्ट आखिरकार आई वॉज हर्ल टूवर्ड द श्योर, मुझे जो है क्या किया गया एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड। आई वॉज हर्ल्ड, मुझे फेंक दिया गया टूवर्ड्स द श्योर, उन लहरों ने एट लास्ट आखिरकार मुझे जो है साहिले समंदर की तरफ उठा के फेंक दिया। एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड, एग्जॉस्टेड मीन होता है बेटे टायर्ड, ठीक है, बहुत थके हुए होना। एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड, और मैं सैंड यानी कि रेत के ऊपर बहुत थका हुआ रेत के ऊपर पड़ा रहा, ठीक है ना, मैं वहाँ रेत के ऊपर बहुत थकी हुई हालत में मैं रेत के ऊपर आके गिरा। हियर यू कैन सी रॉबिन्सन क्रूसो ऑन द सैंड, आप उनको सैंड यानी कि रेत के ऊपर गिरते हुए देख सकते हैं, और उनका शिप जो है वो भी रैक होते हुए आपको नज़र आ सकता है, और सी वेव्स बहुत ज़्यादा यानी कि पानी की लहरें बहुत ऊपर उठती हुई भी नज़र आप देख सकते हैं। यहाँ पर द स्काइज आर डार्क, बादल जो हैं वो बहुत डार्क शेड में आ चुके हैं यानी कि बहुत काले हो चुके हैं, और यहाँ पर आप जो है वो लाइटनिंग भी देख सकते हैं, बिजली के चमक को भी देख सकते हैं, और बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, हम लोगों ने इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया है। ओके जी, नाउ वी शैल मूव टूवर्ड आर नेक्स्ट पैराग्राफ। द नाइट वॉज डार्क विदाउट अ स्टार इन द स्काई एंड आई न्यू दैट लेइंग ऑन द सैंड वुड बी डेंजरस, ठीक है। द नाइट वॉज डार्क, रात बहुत अंधेरी थी, विदाउट अ स्टार, इवन के यहाँ पर कोई स्टार भी नहीं था आसमान पर, इन द स्काई आसमान पर कोई स्टार भी नहीं था। एंड आई न्यू, और मैं ये बात जानता था दैट लेइंग ऑन द सैंड वुड बी डेंजरस, के रेत के ऊपर ऐसे लेटे रहना जो है वो बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। आई क्रॉल्ड अवे फ्रॉम द सी एज फास्ट एज आई कुड एंड केम टू सम बुशेज एंड ट्रीज। क्रॉल्ड मीन होता है यानी हाथ के बल चलना, पाँव से उठ के नहीं, खड़े होकर नहीं चलना, क्रॉल्ड होता है। जैसे अभी वो रॉबिन्सन क्रूसो को आप देख सकते हैं, ऐसे ही हाथों के साथ घिसट के आगे की तरफ मूव करना। आई क्रॉल्ड अवे फ्रॉम द सी, मैं समंदर से यानी कि रेंगते हुए समंदर से दूर चला गया। एज़ फास्ट एज आई कुड, मैं जल्दी से वहाँ से चलते हुए समंदर से मूव करते हुए यानी कि रेंगते हुए बहुत दूर चला गया, इतनी जल्दी उसने मूव किया जितनी जल्दी वो कर सकता था। एंड केम टू सम बुशेज एंड ट्रीज, और मैं कुछ बुशेज यानी झाड़ियों में और दरख्तों में आ पहुँचा। आई डिडंट नो वट वाइल्ड एनिमल्स देयर वुड बी इन द फॉरेस्ट, मुझे नहीं पता था, आई डिडंट नो, मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पर कितने कैसे जंगली जानवर जो है हो सकते हैं इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में कितने जंगली जानवर, कैसे जंगली जानवर हो सकते हैं। सो आई क्लाइम्ड अप वन ऑफ द ट्रीज एंड मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल बिटवीन टू ग्रेट ब्रांचेस। आई क्लाइम्ड मीन होता है ऊपर चढ़ना, आई क्लाइम अप, मैं ऊपर चढ़ गया वन ऑफ द ट्रीज, उन दरख्तों में से, जंगल के दरख्तों में से मैं एक दरख्त के ऊपर चढ़ गया। एंड मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल बिटवीन टू ग्रेट ब्रांचेस, और दरख्त की दो बड़ी बड़ी शाखों के दरमियान जो है मैं वहाँ पर लेट गया, मैंने वहाँ पर कम्फर्टेबल महसूस किया, ठीक है। देयर आई स्लेप्ट द नाइट एज वेल एज आई कुड, यहाँ पर मैं सारी रात सोया जितना मैं सो सकता था। इन द मॉर्निंग आई लुकड आउट अक्रॉस द सी एंड देयर वॉज आर शिप अ क्वार्टर ऑफ अ माइल अवे फ्रॉम द शोर। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, आई लुकड आउट अक्रॉस द सी, मैंने समंदर की तरफ या समंदर के पार देखा, समंदर की तरफ देखा। एंड देयर वॉज आर शिप, और यहाँ पर हमारा शिप था, हमारा जहाज़ था, अ क्वार्टर ऑफ अ माइल अवे फ्रॉम द शोर, जो कि सी शोर से यानी क्वार्टर माइल थोड़ा सा दूर था, काफ़ी दूर था, जो कि समंदर के साहिल से काफ़ी दूर था। और अब ये तो वहाँ से समंदर के साहिल से भी बहुत आगे आ चुका है, ठीक है ना। आई केम डाउन द ट्री एंड फाउंड अ स्ट्रीम वेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर। आई केम डाउन द ट्री, मैं दरख्त से नीचे आया, एंड फाउंड अ स्ट्रीम, और यहाँ पर मुझे एक नदी नज़र आई, ठीक है, वेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर, जहाँ से मैंने कुछ कूल ठंडा यानी कि ताज़ा पानी पिया, ठीक है। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन, मैं दोबारा से लेट गया और मैं वहाँ लेट गया और दोबारा से सो गया। द सन वॉज हाई, सूरज जो है बहुत ऊपर था। नाउ वी शैल मूव टूवर्ड आर नेक्स्ट पेज। द सन वॉज हाई इन द स्काई व्हेन आई वॉक अप, जब मैं दोबारा से जागा तो सूरज जो है वो आसमान पर बहुत ऊपर था, यानी कि इट वॉज आई थिंक सो डे टाइम, नॉट द मॉर्निंग बट द फुल डे।
I resolved to go out to the ship and try and bring back some things which would be useful to me on the island. मैंने डिसाइड किया, मैंने फैसला किया टू गो आउट टू द शिप, ठीक है, टू गो आउट टू द शिप एंड ट्राई टू ब्रिंग बैक सम थिंग्स. मैंने शिप में जाकर कुछ चीज़ें वापस लाने का फैसला किया कि मैं शिप में जाऊँगा और कुछ चीज़ें वापस लाऊँगा विच वुड बी यूज़फुल टू मी ऑन द आइलैंड, जो कि यहाँ पर इस जज़ीरे पर मेरे लिए मुफीद होंगे. स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल एंड हियर, वी शैल फिनिश आवर लेसन हियर एंड आई होप यू ऑल विल लर्न इट एंड रीड इट properly, inshallah. Allah Hafiz.